सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें जो आइडिया ऑफ मदीना की रियासत का जो आइडिया है वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है। सो बेसिकली कुछ साल पहले, कुछ दहाइयां पहले पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहा करते थे कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। तो इमरान खान साहब ये क्या, क्यों इस ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे, जबकि कभी पाकिस्तान में कभी किसी सियासत मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने इस तरह की बात नहीं की? और क्या वो इंडिया के मुकाबले में ये बात कर रहे थे कि हम इंडिया जो है वो शायद एशियन टाइगर है, या वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से कह रहे थे कि जो नवाज शरीफ ने कहा था कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे? और दूसरा, क्या पाकिस्तान की ये जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी पीटीआई है, क्या ये पाकिस्तान को मजीद मजहबी सियासत की तरफ धकेल रही है? इस हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद पेशानी साहब। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और सर हमें ये बताएं काइंडली कि ये इमरान खान साहब को ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि हम पाकिस्तान एक मदीना की रियासत से ज्यादा बेहतर मुल्क बनेगा एज कम्पेयर टू एशियन टाइगर? आपके ख्याल में उनके दिमाग में क्या है इस हवाले से? पहली बात ये है जी कि उन्होंने खुद भी, ये सिर्फ नवाज शरीफ ने ही नहीं बल्कि उन्होंने खुद भी माजी में मसालें दी हैं एशियन टाइगर्स की। और इमरान खान साहब पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो यू टर्न लेते हैं, जिसमें मैं उससे मुतफिक नहीं होता। मैं उनके यू टर्न वाली थ्योरी पे, अगर आपको नहीं पता तो मैं उसको इमरान खान के हक में समझता हूँ, मैं उसको नहीं समझता कि ये कोई उन पे इल्ज़ाम है। क्योंकि यू टर्न वो होता है जब आप अपने मकासद से फिर जाते हैं, लेकिन मकासद के उसूल के लिए अगर आप रास्ता बदलते हैं, जिन मानों में वो यू टर्न यूज़ करते हैं कि आप जा रहे हैं आगे, दीवार आ गई तो उससे टक्कर मारने के बजाय आप रास्ता बदल गए, लेकिन मकासद वही होने चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ना, इसमें मकासद बदल गए, लिहाजा ये पहली दफा आप कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया है, जो उन पे पहले इल्ज़ाम था। लेकिन ये अब मैं इसको मानता हूँ कि ये जो हरकत है उनकी, और इसकी जो तीन आपने वजूहत बयान की, इसको मैं नटशेल में अगर कहूँ आवाम के लिए, तो इमरान खान साहब ने आपको ये पैगाम दे दिया है कि इस मुल्क का मुकद्दर जो है गुर्बत है और वो मैं नहीं बदल सकता। मदीना की रियासत में जितनी खूबियां थी वो अखलाकी थी और उनको मानना पड़ेगा, और दुनिया उनका पीछा कर रही है और पैरवी कर रही है, लेकिन मदीना की रियासत एक बहुत बड़ी गरीब तरीन रियासतों में से एक थी, जिसपे आप अपने खलीफा से ये पूछे तुमने कुर्ता कहाँ से लिया, उसकी इमारत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये एक मिसाल है। लेकिन वहां पे क्या था, कोई सड़कें थी, कोई पानी था, कोई बिजली थी, कोई ऐसी फैसिलिटी थी जिनकी हम लोग भाग दौड़ में, जो इमरान खान जो नारे दे के आए, वो कोई अखलाकियात हमारी दुरुस्त करने के लिए तो नहीं आए थे ना। अखलाकी एजेंडा तो उनका उस वक्त तो मगरब का एजेंडा वो पेश करते थे कि मैं स्वीडन, नॉर्वे और पता नहीं किसके रिप्लिका जो है पाकिस्तान में बना दूंगा। अखलाकियात उनका एजेंडा नहीं था, उनका एजेंडा था माशी। और माशी एजेंडे में जब वो रियासत मदीना ले आए तो उसकी रेलिवेंसी कितनी थी, वो सिर्फ इतनी थी कि ये करप्शन से पाक एक सोसाइटी होगी। आप उसको प्लान करके रियासत मदीना की तरफ नहीं ले जा सकते, आप आवाम को पीछे ले जाके गुर्बत और बदहाली और मुफलसी की जिंदगी में नहीं डाल सकते। रियासत मदीना जो है वो गुर्बत, बदहाली और मुफलसी की जिंदगी पे चल रही थी, लेकिन उसके अखलाकी मेयार में अगर कोई चीज बेहतर थी तो करप्शन थी, जिसपे कुर्ते की मिसाल बार बार दी जाती है हजरत अबू बकर सदी के बारे में। तो इसलिए ये आप याद रखें कि अब इन्होंने जहनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं। अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है कम अज कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब अगले 5 सालों बाद अगर कोई एशियन टाइगर होगा तो वो बांग्लादेश होगा। तो इसमें जो इमरान खान साहब की रवायती असासे कमतरी है वो बोलती और झलकती हुई मुझे नजर आती है।
और इसको अगर आप थोड़ा सा डीपली देखें तो बात अगर रवायती एशियन टाइगर्स की जाए तो उनके अंदर क्या चीज थी। वहां दुनिया में कोई सोसाइटी आइडियल नहीं है, हम सब जानते हैं। आप जाहिर है प्रोफेसर हैं और आप इंटरनेशनल चीज मुल्कों के समाज पे आपकी नजर है कि ये जो सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, कोरिया हो गया, ये इस तरह के जो मुल्क हैं, इनमें क्या चीजें थी कि इन्होंने अपने अवाम को गुर्बत और बदहाली से निकाला और निकाल कर उनको एक ऐसी जिंदगी दी जिसपे के जाहिर है बाकी तीसरी दुनिया के मुल्क जिस पे रश करते हैं और जिनके ख्वाब देखते हैं, वो सोसाइटी भी परफेक्ट नहीं और उनके अंदर भी बड़ी डाइवर्सिटी है। ये नहीं है कि वहाँ के कोई एक ही सारा जो है वो सिलसिला है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे मसाइल हैं जो उन्होंने हल किए हैं जो रियासत मदीना में भी हल नहीं हुए थे। रियासत मदीना तो 1400 साल पहले की बात थी, आज भी अरब के इतने अमीर तरीन मुल्क सऊदी अरब में कहीं बद्दू जो हैं वो जो जिंदगी गुजारते हैं वो बेसिक जरूरियात से कहीं दूर हैं। अब वो क्यों गुजारते हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ। ये मसलन आप सिंगापुर को देख लें कि करप्शन से पाक, जीरो करप्शन से पाक एक ऐसी सोसाइटी है और वहां पे ऐसे ये टॉपिक बदल जाता है लेकिन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे ऑन देयर ऑन प्रॉपर्टीज। ये लोगों को नहीं पता है कि 80% से ज्यादा लोग सिंगापुर में घरों की मलकियत है, किराए की बात नहीं कर रहा मैं। एक तरह की इक्वालिटी सोसाइटी में डिस्पाइट द फैक्ट के कैपिटलिज्म पे चलने वाला मुल्क है, न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसीज को फॉलो करता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसने जो सोशल वेलफेयर का सिस्टम अडॉप्ट किया है वो आइडियल है। मैं उसको कोई सोशलिस्ट सिस्टम नहीं कहता, लेकिन ये है कि वो उन्हीं खतूत पे उन्होंने उसको इस तरीके से उस्तवार किया कि वो भी रख लिया और वो भी रख लिया और अवाम भी जो है वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह ये चीजें जो हैं, अब इमरान खान साहब को जब ये नजर आया कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और हम ना इंडिया की तरह तरक्की कर सकते हैं ना बांग्लादेश की तरह इतने तेज रफ्तार किस्म के मोजे दिखा सकते हैं, तो इसलिए अब हम लोगों को जरा ईमान का दर्स देते हैं, उनको अखलाकियात का दर्स देते हैं और उनको कहते हैं कि गुर्बत तो आपका मुकद्दर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफा एक खजूर पे गुजारा करते थे, आप 3 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। साहबा कराम जो है उनमें से 20-30 तो ऐसे थे जो पूरा दिन मदीना की गलियों में पेट पे पत्थर बांध के, लिटरेली एक होता है आप इसको मुहावरातन यूज करते हैं, बाकायदा पत्थर बांध के घूमते थे चूंकि रोटी उनको नहीं मिलती थी। अब आप उस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो उसका फिर जाहिर है कि ये एक इलेक्शन स्टेंट है और ये जो है बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैंने बाहर आके कहा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो एक फरेबे मसलसल का अमल है ये उसकी एक ताज़ा तरीन कड़ी है कि जनाब अब आप सब्र करें, हमें नहीं जरूरत सिंगापुर या इंडिया या बांग्लादेश बनने की, हमें जरूरत है पीछे जाने की और पीछे जाके तो हम वो जो एक लाइफस्टाइल है उसको आप अपनाएं, यानी तकाजे ना करें। गुर्बत आफ्टर ऑल इज नॉट ए बैड थिंग, दिस इज द मैसेज। ये मैं आपको बता दूं जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये मुल्क पे इकदार लिया था कि मैं गरीबों को ऊपर उठा दूंगा, अब उनको ये दर्श देंगे कि अब नीचे ही बैठे रहें, जरा फिर पीछे देखें कि कैसे लोग नीचे बैठते हैं। मेरा तो ख्याल ये है। बिल्कुल ठीक है सर। सर मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो हमारे लोग सियासतदान हैं इनका जो एवोल्यूशन होता है या जो सोच का या इनकी जो इकदार का जो एवोल्यूशन है वो कैसे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब उसामा बिन लादन को सपोर्ट करते रहे और एक वक्त था कि वो उस वक्त जिहाद और इन चीजों को वो सपोर्ट करते रहे और एक वक्त था माजी में कि उस वक्त तालिबान और उसामा बिन लादन जो था उसको कहा जाता है कि शायद नवाज शरीफ साहब ने को पैसे दिए उसामा बिन लादन ने कि बेनजीर की हुकूमत गिराओ क्योंकि वो सेकुलर है ये। और फिर मैंने वो वक्त भी देखा नवाज शरीफ साहब के मुंह से सुनते हुए कि उन्होंने कहा पाकिस्तान एक लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा, उनकी स्टेटमेंट्स आई बकायदा। इसी तरह इमरान खान साहब ने सियासत का आगाज किया तो बात कर दी कि जी हम मैं डेमोक्रेसी मगरब की डेमोक्रेसी जमहूरियत को जानता हूँ और मैंने मुझे मुझसे ज्यादा बेहतर कोई मगरब को नहीं जानता और ये मुल्क जो है आप इवन के अगर अपनी पार्टी के अंदर जो
पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो फिर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात की और पता नहीं क्या क्या, और एंड अप हो रहे हैं एक मौलवी के तौर पे वो। तो ये जो एवोल्यूशन होता है, क्या ये जो करोड़ों आवाम लोगों की आवाम है, ये सियासतदानों के रहमो करम पे है कि उनकी सोचें कैसे बदलेंगी और उनको निजाम किस तरह बदलेगा, हालात उनको किस तरह बदलेंगे, तो मुल्क की डायरेक्शन भी उन्हीं इंडिविजुअल्स के पीछे पीछे चल पड़ेगी। कि नवाज शरीफ साहब एक मौलवी थे, मौलवी से एक प्रोग्रेसिव बंदे बने, इमरान खान साहब एक प्रोग्रेसिव थे और प्रोग्रेसिव से एक मौलवी बने। तो ये जो अवाम है, जो करोड़ों लोग है, इस वक्त 22-23 करोड़ लोग है, क्या ये अपने लीडर के रहमो करम पे हैं, या कि स्टेट का एक विजन होना चाहिए, या स्टेट को एक एंगल लेना चाहिए? ये एक बड़ी अजीब सी रिडल मेरे जहन में सवाल है ये, कि क्या हम इन लोगों के रहमो करम पे हैं कि जो इनका दिमाग में आएगा या जो इनकी सोच में होगा उसी पे करोड़ों लोग चल पड़ेंगे? देखें, ये आपने बहुत मुश्किल सवाल उठाया है चीमा साहब। इसके तीन पहलू हैं, अगर मैं कोई एक पहलू कह के दूसरा नहीं करता हूं तो आप मुझे रिमाइंड कराएं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जो है ना, जो पब्लिक एजुकेशन है वो मौजूद नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मसलन आप ये देखें कि पाकिस्तान में पहली बात है कि पढ़ाई लिखाई, चूंकि ये चीज़ें इनका ताल्लुक शऊर से है, कि जब अवाम बाशऊर होते हैं तो उनके लीडर उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके अवाम के अंदर जितनी एजुकेशन है, जितना कॉन्शियसनेस है, जितना उनकी पॉलिटिकल नॉलेज और विजडम होगी, उसी सतह का आप लीडर मुंतखब करेंगे। ये रियासत मदीना की बात तो हम बार बार करते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन की एक हदीस ये भी है कि लीडर जो होते हैं वो अपनी जो अवाम है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरह की भी हदीस है कि बदतरीन लोग मसल्लत होते हैं बदतरीन लोगों पे। तो ये जो सारी चीज़ें सामने रख के, तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो शऊर की सतह है, ये जो लिटरेसी का हमने फ्राड किया हुआ है कि बंदा कायदा पढ़ लेता है या पहली पढ़ लेता है, जाहिर है वो ना अखबार पढ़ता है ना किताब पढ़ता है, ना ये आपके इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस जो टीवी और कहीं और पे अगर होती भी हैं। पहली बात है कि गुज़श्ता 20 साल से कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट और डिस्कोर्स आपके किसी फोरम पे नहीं हो रहा है, ना आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे हो रहा है, ना आपके अखबारात में हो रहा है। ये आप मुझे कोई एक अखबार गुज़श्ता 20 सालों से उठा के देखते दिखा दें जिसके एडिटोरियल पेज पे कोई इस तरह की बुनियादी बहस हो कि भाई कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, यानी ऐसी चीजें जिन पे बहस होने से लोगों के दिमाग की गिरा खुलती है और वो अपने लीडर की तकरीर सुन के किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई ये आदमी हमें क्या पेश करने वाला है इकदार में आने के बाद। तो वहां पे यूं समझ लें कि अंधेरे में बैठे हुए सोए हुए लोगों को एक नई लोरी सुना दी जाती है, जो वो सुन के मजीद गहरी नींद में चले जाते हैं, चूंकि उनको अंदाजा ही नहीं है, बुनियादी एजुकेशन नहीं। अब मैंने आपको अखबारात बताया, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बाद आप मुल्क में लाइब्रेरियां देख लें कितनी हैं, अवाम की उन तक क्या एक्सेस है, फोरम्स कितने हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कितनी हैं, थिंकर्स फोरम्स, थिंक टैंक्स, ये सारी चीजें जरा डेटा आप इसका जमा करें तो आप देखेंगे कि पब्लिक का किसी किस्म की नैरेटिव डिस्कोर्स की फॉर्मेशन और उसकी अमल के दौरान उनका ना कोई कंट्रीब्यूशन है ना उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, लिहाजा वो पॉलिटिकली टोटली इलिटरेट हैं। बेशक वो लिटरेसी रेट आपका 60 हो या 50 हो, लेकिन वो भी लो है, वो भी इंडिकेटर्स और इशारिये जो आप देखा रहे हैं वो गलत हैं, ऑन ग्राउंड चीजें मुख्तलिफ हैं। आपके मुल्क में हजारों की तादाद में गोस्ट स्कूल हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, टीचरों ने आगे मुलाजम रखे हुए हैं, यानी वो जो एजुकेशन सिस्टम है जो बिलाखर, आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क की यूनिवर्सिटीज में आप डिबेट नहीं कर सकते पॉलिटिक्स पे और आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि उस मुल्क में कोई लीडर को किस तरह जान सकता है कि ये सही है गलत है। एक पहलू इसका ये है कि अवाम की जहालत से और स्टेट की मिलीभगत के साथ एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें अवाम को ये पता ही नहीं चलता कि हमारे लीडर का प्रोग्राम क्या है। यही वजह है कि इमरान खान ओपिनियन पोल्स के मुताबिक मोस्ट पॉपुलर लीडर होने के बावजूद मोस्ट कंफ्यूज्ड लीडर गुज़श्ता 3 सालों में जो उन्होंने अपने आप को साबित किया, यानी जो आदमी स्वीडन और नॉर्वे से जंप लगाता हुआ सिंगापुर और चीन से होता हुआ मदीना पहुंचता है और इसको पता ही नहीं लेफ्ट का राइट का पॉलिटिकल थ्योरीज क्या हैं,
इकोनॉमिक थ्योरीज क्या हैं, ये दुनिया का मुकद्दर कैसे बदला, ये चीज़ें कैसे होती हैं, वो आदमी लोगों को किस तरीके से उंगलियों पे खिला के नई नई लोरियां दे के अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, ये इसके इलेक्शन का पहलू है। दूसरा पहलू जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इकतदार की खातर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इखलाकियात, वाहिद तो मैं नहीं कहूँगा, तीसरी दुनिया के बेशतर मुल्क हैं, इंडिया में भी आपको कई दफ़ा इस तरह नज़र आएगा कि पॉलिटिशंस जो है वो इस हद तक चले जाते हैं, बांग्लादेश में भी होगा, जो कंपेरेबल मुल्क हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है वो झूठ और मुनाफ़क़त आवाम के साथ बार बार की जाती है, खुसन जब इलेक्शन करीब आते हैं। ये आप देखें कि नवाज शरीफ ने जब खुद को अमीरुल मोमिनीन बनाने का तसव्वुर दिया था, उसके पीछे क्या तसव्वुर था, एक परमानेंट डिज़ायर टू रूल, इकदार को तवालत बख्शने का वाहिद तरीका उनको अपने रुफ़ाकार ने यही बताया था कि जनाब माहौल बड़ा गर्म है, पूरा खिता उस वक्त जो है वो मिलिटेंसी और एक इस्लामिक खिलाफत और वो बिन लादन की वजह से और जहाद अफगानिस्तान और इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज और इन्वेस्टमेंट की वजह से एक माहौल क्रिएट हुआ हुआ था, तो इसमें आप भी फार एवर जो है वो ये छोड़ाएं, जमहूरियत वमूरियत जो है इसमें आ जाएं तो बात ही ख़त्म हो जाती है बार बार के उससे, वो उनका एक एजेंडा था। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि नवाज शरीफ ने इवाल्व किया है राइट डायरेक्शन में और उन्होंने अपने तजर्बा से ये सबक सीखा है, कम अज़ कम वो जो कुछ बता रहे हैं गुज़श्ता 4-5 साल से, और जब उन्होंने कहा कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, जो कि एक स्टेटमेंट कन्फ्यूजिंग है, लेकिन उसका मतलब उनके कहने का यही था कि उन्होंने चीज़ें सीखी हैं कि दुनिया चलती कैसे है और उसमें आप जो है वो हर चीज़ को सियासत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि बाज़ औक़ात लीडर को सही बात के लिए खड़ा होना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है और इकदार से भी हाथ धोना पड़ता है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है नवाज शरीफ में जिसको उन क्रेडिट देना चाहिए, और वो गुज़श्ता 2-3 सालों में साबित कर चुके हैं कंसिस्टेंटली, जिसका हरगिज़ कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो इसी पे कंटिन्यू रखेंगे। जब बात इकदार की कहीं फैसला कुन मोड़ आएगा तो उस वक्त एक टेस्टिंग पीरियड जिसको आप कहते हैं ट्रायल है, तो उसी में पता चलेगा कि वो किस हद तक उस पर स्टैंड करते हैं, लेकिन हम जाहिर है चीज़ों को फेस वैल्यू पे देखते हैं। अब जो आपके इमरान खान साहब का नया जो मंत्रा है, इसकी वजह भी इकदार है, चूँकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और जो लोग तारीख का ज़रा भर भी शौर रखते हैं वो जानते हैं के पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मिसयूज़ किया गया है माजी में और आज भी किया जा रहा है वो मज़हब है, कि मज़हब खोसन पाकिस्तान में। अब इस पर भी सर्वे में आपको बता दूं कि पूरे हमारा जो खित्ता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा रिलीजियस इन्फ्लुएंस और रिलीजियस इन्फ्लुएंस के अंडर अवाम की तादाद जो है वो तकरीबन 80 से ऊपर है, 80% लोगों की ज़िंदगी में रिलीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और ये गैर जानबदार किस्म की रिसर्च रिपोर्टें इस पे आई हैं। तो एक ऐसी ओवरवेलमिंगली जो सोसाइटी अंडर इन्फ्लुएंस है रिलीजियसली, उसको आप रिलीजन के नाम पे जाहिर है किसी भी तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर उसको फ्यूल अप करने के लिए आपने क्लैरिक्स की एक मौज फौज जफर मौज जिसको कहते हैं पाल रखी है, जो 24 आवर्स इसको मजीद जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रही है ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन, जिसका मतलब ये है कि आप रिलीजन के नाम पे अगले इलेक्शन भी जीत सकते हैं, चूंकि आप इकोनॉमी के नाम पे कोई चीज़ लेके नहीं आ सकते कि आखिर आप लोगों को क्या बताएंगे कि आपने क्या किया, महज ये कह देना कि जी इसके नताज 5 साल बाद निकलेंगे, इस बुनियाद पर आप वोट नहीं ले सकते। पोलिटिकली आपने एक बहुत बड़ा रिप्रेसिव किस्म का एक लेगेसी आप समझ रहे हैं कि आप छोड़ रहे हैं, आपने बहुत बड़ा जुल्म और तशद्दुद किया, ह्यूमन राइट्स को क्रश किया, मीडिया को क्रश किया, अपोजिशन को जो है वो एक सख्त किस्म की जो है वो फासिस्ट टैक्टिसेस के जरिए डील किया और कर रहे हैं, अदालतों को अंडरमाइंड किया, आप कोई एक चीज उठा के लें तो आपके पास कहने के लिए है कुछ नहीं। तो घुमा फिरा के तो आप आए हैं रियासत मदीना का स्लोगन लेके, और जिसके साथ इस्लामोफोबिया एंटी इंडिया जो उनका रेटरिक है और ये जो 3-4 नारे हैं ये लेके वो आएंगे मैदान में, एक नया जुनून फैलाएंगे और उसके नतीजे में मुमकिन है उनके वोट में कोई 5-10% इजाफा हो जाए,
इसके अलावा जनाब इसमें कोई एजेंडा नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? अच्छा हाँ अब आई है भाई। अच्छा 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 अभी वो मेरा ख्याल है वो बटन प्रेस हो गया था। जी जी बस अब ये वो सारी बात है, आप एक सेकंड ठहरिएगा। सर अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अच्छा वो मेरा जो सिस्टम है वो ये कह रहा है कि अभी तुम्हारी आवाज नहीं जा रही, नहीं आ रही। तो अभी आपको आवाज आ रही है। जी चले मैं आपको सवाल कर लेता हूँ क्योंकि आपका सुनना वो ज्यादा जरूरी है सवाल, ताकि आपको तक चला जाए। सर इसमें जो अहम बात है वो जारी बात है जो आप बात कर रहे हैं कि वो ये सेल्फ इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, और इसमें जो है वो समझते हैं कि क्योंकि उनका मुकाबला दाएं बाजू की मजहबी वो है उस चीज से है, तो इससे दाएं बाजू की मजहबी सियासी जमातों से है केपी के अंदर। तो सर एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल जहां से मैं आपसे करूंगा, और वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान साहब ने इस बात ये बात करके कि हम एशियन टाइगर से अच्छे हैं, तो क्या इमरान खान साहब ये बताना चाह रहे हैं कि वो किसी रीजनल ममालिक के कंपटीशन में नहीं है, या वो समझते हैं कि हमारा अब कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एशियन टाइगर का मतलब ये था कम्पीट करना बाकी ममालिक के साथ। ये इसका क्या ये भी रेफरेंस बनता है कि अब हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर रहे, ईरान से मुकाबला नहीं कर रहे, या उस रेत से वो बाहर निकल गए हैं, वो समझते हैं कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल उस रेस से बाहर निकल गए हैं। इस वजह से नहीं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उनको 3.5 साल काम का वक्त जाया करने के बाद और अपनी जो उनकी विशफुल किस्म की थिंकिंग थी उस पे अमल ना करने की वजह से वो अब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि भाई इस तरह चीजें नहीं होती। कोई भी मुल्क जो है वो डेवलप करने के लिए वही रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं जो कामयाब मुल्कों ने हमसे पहले किए हैं। अब ये कोई नया थीसिस लेके आके तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया सारे कामयाब तजर्बात जो है वो कर चुकी है कि गुरबत कैसे खत्म होती है, जहालत कैसे खत्म होती है, डिवेलपमेंट क्या है। आपने पहली बात यह है कि जो तरक्की 3 सालों में की वो इंडिया के साथ आपने सींग फंसाने का जो अमल गुज़श्ता 70 साल से शुरू कर रखा था उसको दुगना तिगना, बल्कि एक इम्पॉसिबल किस्म की जो है वो बंद गली में ले जाके आपने जो है वो रोक दिया। आपने इवन बांग्लादेश ये इस तरह के दूसरे मुल्कों ने जो जाहिर है कि किस तरीके से कितने बाद उन्होंने शुरू किया और वो कितनी तेजी से आगे निकल गए, उन्होंने जो रास्ता अपनाया उसके आप बिल्कुल बरक्स अपना रहे हैं। आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर उन्होंने किस तरह एक जो है वो पॉलिसियां बना
हाँ जनाब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मिसेस जी, आ रही है। बस सर उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर दें जो बात हम कर रहे थे कि क्या हम उस कंपटीशन से बाहर आ गए फिर सर। हाँ, तो वो बात ये हो रही थी कि देखें, ये इमरान खान साहब ने जो कंपैरेटिवली अपने 3.5 ईयर गुजारने के बाद अब उन्होंने देखा है, पहले तो उनके बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब थे कि मैं 6 महीने में ये कर दूंगा, साल में ये कर दूंगा। तो इस हिसाब से फिर वो एशियन टाइगर्स की और इस तरह की बातें करते थे, क्योंकि जब आप होप होती है, ड्रीम्स होते हैं, मुखलसी होती है, तो फिर जाहिर है आप चीजों को पॉजिटिवली एंड डिफरेंटली देखते हैं। अब आके जब उन्होंने कंपेयर करके देखा तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश उनके इतना आगे निकल गया कि अब जाहिर है किसी भी तरीके से आप अपने आप को बांग्लादेश से भी कम से कम इकोनॉमी के हवाले से कंपेयर नहीं कर सकते। और उसके ऊपर अलमिया ये है कि आपने अपनी खारजा पॉलिसी, स्पेसिफिकली जो इंडिया के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से जिन खतूत पे उस्तवार की है और आप उस पे बाजिद हैं, उसको कंटिन्यू रखने हैं कि उसके आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यानी ये बात तय है कि जब तक आप अपने ये सींग जो आपने फंसाए हुए हैं इंडिया के साथ, इनको आप आज़ाद नहीं करते और एक पॉजिटिव माहौल जो है वो खित्ते में क्रिएट नहीं करते, उस वक्त तक आप इकोनॉमी के हवाले से किसी भी तरीके से या स्टेबिलिटी के हवाले से 1 इंच आगे मूव नहीं कर सकते। ये एक इतना बड़ा हार्ड फैक्ट है कि जिसको आप किसी तरीके से भी, जिसकी नफी नहीं कर सकते, चूंकि आपने सारे रास्ते आजमा के देख लिए, आपने यूरोप से तजारत, अमेरिका से तजारत, ये सारा कर लिया, लेकिन आपने अपने घर के इर्द गिर्द जो है वो रास्ते बंद किए हुए हैं, बाड़े लगाई हुई हैं और बाड़े लगा रहे हैं। कभी अफगानिस्तान के आगे बाड़ लग रही है, कभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बाड़ लग रही है, कभी ईरान के दरमियान। तो जब आप अपने पड़ोसियों के घरों के आगे बाड़े लगाएंगे और 20,000 किलोमीटर दूर जाके तो आप तजारतों की बात करेंगे, जबकि आपका जो मसनूआत हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है, आपकी जो सारी इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है वो इतनी लो है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और ये उनको पता चल गया, इसलिए अब वो अंडरमाइन कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश की शानदार और काबिले रश्क और रिमार्केबल तरक्की को भी, कि नहीं जी ये कुछ भी नहीं होता, असल चीज तो रियासत मदीना होती है। अब ये है कि इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि ये अवाम को बहुत बड़ा एक मगालते में डालने और उनके साथ फ्रेब करने वाली बात है कि जब यू फेल टू डिलीवर एक ऐसी चीज जिसके लिए आपको इलेक्ट किया गया था कि आप मुल्क में इकोनॉमी को वापस जो है वो रास्ते पे लाएंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे, वो नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं आप अब उनको जो है वो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जी, एशियन टाइगर होते ही कुछ नहीं, भाई दुनिया में आपके कहने से फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया में फैक्ट्स और फिगर्स सामने जो है आजकल लोगों के फिंगर टिप्स पे है। कोई कुछ भी देख सकता है कि इस वक्त सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इंडिया की तरक्की जो है वो कितने पेस से हो रही है और आइंदा 8-10 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है, बांग्लादेश इस वक्त कहाँ चला गया, इंडिया से भी आगे निकल गया इकोनॉमी के हवाले से। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरह डिस्टार्ट करके बयान करें और अपनी जो आपकी इंटरनल इनसिक्योरिटी है, आपकी जो एहसास कमतरी है, आप जो अपने कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं, उनको बुनियाद बना के आप आवाम को भूखे मारें या इनको डिप्राइव करें उनका जो ड्यू राइट बनता है, तो इससे आप देख लें कि जाहिर है ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकता। और जाहिर है बिल्कुल कि आपको अगर वहां पे कोई तब्दीली की कुव्वतें हैं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में तब्दीली का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि वो भी चंद लोगों की मर्जी पे मुनासर है, और वो चंद लोग अगर उंगली खड़ी नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, और उंगली खड़ी करेंगे तो जिसके हक में करेंगे वही फिर आएगा। अब इन चीजों को भी तो आपको सामने देखना है ना कि आप हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर।
बेसिकली आज की जो डिस्कशन हुई वो यही थी कि माजी में शायद पाकिस्तान ये बात करता रहा कि हमें एशियन टाइगर बनना, और इमरान खान साहब आज ये बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को आगे किस तरह लेके जाना है, और वो एक ही रास्ता है, रास्ते मदीना। तो ये रास्ता किस तरह बदला जा रहा है, इस पे हवाले से ब्रिज साहब बात कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक यू जनाब जी, मतलब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।